हेलो एवरीवन आई एम अंकुश एंड वेलकम बैक टू द चैनल योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर जई प्रशन आज कॉन्सेप्ट ऑफ द डे सीरीज में हम डिस्कस uh, करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर ऑलराइट सो स्टार्ट करने से पहले आप लोग फटाफट ये इंस्टाग्राम पेज है जिसको फॉलो कर लें जिसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं uh, ये है आपका टेलीग्राम चैनल जिस जिस पर आपको रेगुलर नोट्स डेली प्रैक्टिस शीट्स क्लास टाइम टेबल माइंड मैप्स की नोट्स वगैरह वगैरह सब कुछ मिल जाएगा राइट और अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो ये है वेबसाइट आनंद मनी डॉट कॉम जिसको आप बुक मार्क करके रख सकते हैं और राइट सो स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर तो पहले तो देख लेते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन कैसा है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इनर सिलेंडर है राइट और उसके बाहर एक हॉलो सिलेंडर है राइट और बिटवीन इनर सिलेंडर सरफेस एंड हॉलो सिलेंडर सरफेस देर इज अ गैप राइट यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी हमने क्या कर दिया इनर सरफेस को चार्ज दे दिया प्लस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर और सिमिलरली आउटर शेल की इनर सरफेस को हमने चार्ज दे दिया नेगेटिव वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पे चूँकि जो हमने uh, हमने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर तो यहाँ पे हम लेमडा को डिफाइन कर सकते हैं वी कैन डिफाइन लेमडा एज इफ टोटल चार्ज गिवन इज क्यू सो क्यू बाय एल ऑल राइट यहाँ पे लेंथ ऑफ द सिलेंडर हमने अज्यूम किया लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज वेरी 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 लार्जर देन ए एंड बी रेडियस ए एंड बी राइट right. तो अब इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का हमें कैपेसिटेंस निकालना है तो हमें ऑलरेडी पता है बेसिक डेफिनेशन बेसिक जो फॉर्मूला होता है किसी भी कंडक्टर का अगर मुझे कैपेसिटेंस फाइंड करना है राइट right? तो जो बेसिक फार्मूला है वो हमारा है टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू सरफेसेस ऑफ ए कैपेसिटर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सरफेसेस तो यहां आ जाएगा लेट सपोज इनर सरफेस इनर सिलेंडर की इनर सिलेंडर की जो सरफेस है वहां पे पोटेंशियल मैं अज्यूम कर लेता हूँ वी एंड आउटर शेल वाला जो सिलेंडर है उसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल है उसे मैं अज्यूम कर लेता हूं, VV. All right. तो ये कैपेसिटेंस का डेफिनेशन हो गया अब यहाँ पे हमें निकालना पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली सरफेस इनसाइड सरफेस एंड आउटसाइड सरफेस के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड करना राइट right? और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर इज जीरो यहाँ पे इनसाइड द सिलेंडर इज आल्सो जीरो जो इनर सिलेंडर है उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी और आउटसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली कंफाइंड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज लाइक दिस ऑल राइट तो हम कहीं भी एक रैंडम uh, पॉइंट ले लेते हैं लेकिन सपोज यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ राइट right? जो सेंटर से कुछ एक्स uh, डिस्टेंस पे है so, तो इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो so, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं मैं एक रिकेब uh, करा देता हूँ रिकैप एक इंफाइनेटली लॉन्ग वायर होता था राइट right? जिसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था वहां से अगर मुझे कुछ एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है राइट तो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैमडा डिवाइडेड बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स ठीक है सिमिलर फैशन यहां पे भी जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा इस पॉइंट पे इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी दैट इज E इज इक्वल टू लैमडा डिवाइडेड बाय टू पाई एप्सलॉन नॉट एक्स ऑल राइट तो अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी राइट तो यहां पे हम ये रिलेशन लगा देते हैं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल b टू a E वैक्टर डॉट डीएक्स vector, राइट right? अब यहाँ पे आ, हमें इंटीग्रेट करना होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिटवीन द टू सरफेसिस वेरिएबल राइट एक्स के साथ वेरी करेगी तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अब यहाँ पे एक और चीज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएक्स वैक्टर का डायरेक्शन सेम है तो एंगल बिटवीन दैम इज जीरो सो कॉस जीरो इज जीरो सो डॉट प्रोडक्ट जब हम हटाएंगे तो कॉस थीटा में हम कॉस जीरो डाल देंगे और कॉस जीरो होता है वन राइट right? तो यहाँ पे माइनस माइनस इज इक्वल टू इंटीग्रल बी टू ए एमडा डिवाइडेड बाय टू पाई एप्सलॉन नॉट एक्स मल्टीप्लाई वाई डी एक्स ऑल राइट बस इसको इंटीग्रेट करना है आपको तो वी ए माइनस वी बी मिल जाएगा आपको तो वी ए माइनस वी बी कम्स आउट टू बी लैमडा डिवाइडेड बाय टू पाई एप्सलॉन नॉट डी एक्स बाय एक्स इसका इंटीग्रेशन हो जाता है लॉन एक्स ऑल राइट और लिमिट्स है बी टू ए माइनस है राइट ऑल राइट सो यहां आ जाएगा वी ए माइनस वी बीटा से वीए माइनस वी बी इज लैमडा डिवाइडेड बाई टू पाई एप्सलॉन नॉट लॉन बी बाय ए राइट यह आपका पोटेंशियल uh, डिफरेंस आ गया बिटवीन द टू टच सर्फेसिस इसको मैं पुट कर देता हूं और इक्वेशन नंबर वन में राइट सो कैपेसिटेंस आ जाएगा हमारे पास क्यू डिवाइडेड बाय लेमा टू पाए एप्सिलॉन नॉट लॉन बी बाई एल राइट अब यहां पे ऑलरेडी हमने डिफाइन किया था लैमडा को लेमडा इज क्यू बाय राइट सो यहां पे इस क्यू को मैं लिख सकता हूं लेमडा इंटू एल तो दिस इज लेमडा इंटू एल डिवाइडेड बाय लेमडा टू बाय एप्सिलॉन नॉट लॉन बी बाय एक तो लैमडा से लेमडा कैंसिल आउट हो गया राइट right? तो so, आपके पास कैपेसिटेंस आ गया टू बाई एप्सिलॉन नॉट एल डिडेड बाय लॉन् पी बाय ए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है ना वो सिलेंडर के लेंथ पे डिपेंड कर रहा है राइट right? तो कभी कभी आपको कैपेसिटेंस ऑफ द सिलेंडर नहीं पूछ के ये भी पूछ लिया जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा लंबा मतलब लेंथ वाइज अगर सिलेंडर बहुत लॉन्ग है अगर हम इंफेनिटली लॉन्ग सिलेंडर लेते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर एज्यूम किया है कि लेंथ ऑफ सिलेंडर इज़ वेरी 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 लार्जर दैन द रेडियस ऑफ सिलेंडर राइट तो उस केस में हम जनरली क्या निकालते है? निकाल हैं कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकाल देते हैं राइट तो यहां पे भी अगर हम कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकालते हैं राइट सो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ सी बाय एल इज कम्स आउट टू बी टू एप्सिलॉन नॉट लॉन बी बाई ऑल राइट तो ये आपका कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ आ गया सिलेंडर का सो दैट्स इट एज फार एज कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर इज कंसर्न राइट यहाँ पर हमने सब कुछ डिराइव कर दिया है राइट right? तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा और अगर वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर वाकई आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ओके okay. Thank you. Bye bye.